दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है और सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है, तो उस बारिश का कुछ हिस्सा आज हमें कतर में भी देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर तरह की खैर वाफियत रहे, आप मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज़। एक आध दिन से बारिश का ये मौसम बना हुआ था, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई भी थी एक आध दिन पहले, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी बारिश में तेजी रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी सड़कें जो हैं वो भीग गई हैं और कई जगह पर जो नशेबी इलाके हैं वो थोड़े से पानी में आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक राउंड लगवा दूं और आप इससे फिर महसूस होंगे, आप देख रहे होंगे कि बिजली कैसी चमक रही है। तो मैं एक सीधा सीधा एक राउंड लेता हूं और फिर वापस अपने घर की तरफ चलता हूं, क्योंकि बारिश में भी ड्राइव करना मेरा ख्याल है, और फिर व्लॉगिंग भी करना, तो वीडियो बनाना भी थोड़ा सा डेंजरस है। तो जितनी बन सकी मैं बनाता हूँ और फिर हम वापस घर को चले जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये आपको एक अपडेट करना था दोहा से, तो दोहा कतर से आप लोग मेरे साथ ही रहें। ये इस वक्त एक हम अंडरपास से गुजर रहे हैं, यहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल हमद जनरल हॉस्पिटल है उसके करीब। कैमरा शेक हो रहा है तो इसकी माजरत चाहता हूँ मैं। इस वक्त पाकिस्तान में, जैसा कि मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है तो मुझे वहाँ के हालात का थोड़ा बहुत पता रहता है, और मैं समझता हूँ कि नए साल की खुशी में वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि 12 बज चुके हैं वहाँ पर और बाज़ जगह तो माशाल्लाह ठीक ठाक फायरिंग वगैरह भी होती है। तो बहरहाल मेरी सबसे अपील है कि खुशियाँ मनाएं ज़रूर, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाए बिना। क्योंकि फायरिंग वगैरह करने से आपको तो पता है कि थोड़े वक्त के आपको उसमें मज़ा आएगा, लेकिन उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से दूर रहें और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस वगैरह भी इस वक्त आ रहे हैं काफ़ी मुबारकबाद के, नए साल के, तो मेरी तरफ से भी एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से, ख़ास तौर पे अहले वतन मेरे पाकिस्तान के लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी इंशाल्लाह मुश्किलात हैं वो हम सबको दुआ करनी चाहिए और मेहनत से, हम ईमानदारी से और जज्बे के साथ हमको इस पे काबू पाना है सारी मुश्किलात पे। तो बी ब्रेव, ब्रेव बन के जिए, और जो भी मुश्किलात हैं उसका मुकाबला आप बहादुरी के साथ करें। थैंक यू। इस वक्त बारिश रुक गई है और मैं इस वक्त, मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये अल जज़ीरा का ऑफिस है, मशहूर अल जज़ीरा चैनल, और
फ्रिज बिन इमरान का एरिया ये कहलाता है, और मैं अब वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे आप इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खुशियाँ दिखाए हर तरह की, और जो जो मुश्किलात इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश हैं तो अल्लाह ताला उसको दूर करे। आमीन सुमा आमीन।